अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम अभी उसी मंदिर में मौजूद हैं। आप पहले इसकी कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें देख लीजिए। इस राम मंदिर के बनने के दौरान अयोध्या में कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि सड़कें यहाँ पहले पतली हुआ करती थी, वो चौड़ी हुई। इस दौरान कुछ लोगों की दुकानें पूरी तरीके से चली गई, कुछ लोगों की दुकानें छोटी हो गई। अब जब यहाँ पे राम मंदिर बन गया है तो वो क्या सोच रहे हैं, साथ ही हम बताएंगे कि आज यानी 22 जनवरी की रात अयोध्या का क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। जो हुआ है कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अयोध्या कभी होगा, इतना हो गया है ये हम लोग के आपके सामने, इतना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे जो हो, योगी जी के और मोदी जी की कृपा से जो भी हो अच्छा हो, बस यही चाहते हैं। और जो सेलिब्रिटीज कभी हम लोग अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाते थे, कभी मुंबई की सपना देखते थे, काश हम लोग मुंबई रहते, मुंबई में रहते, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब बस चाहते हैं कि हम लोग का जन्म जब भी हो अयोध्या में हो, बस यही चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अब अयोध्या में जब राम मंदिर बन गया तो आमदनी बढ़ेगी, आप लोगों को क्या लगता है? आमदनी तो बढ़ेगी, पब्लिक आ रही है, वैसे ही हम लोग की बिक्री भी हो रही है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सामान नहीं अब यहाँ पे अट पा रहा है, पहले सामान मिल जाता था अब नहीं अट पा रहा है, इतनी पब्लिक आ रही है। पर अच्छा है कि पब्लिक आ रही है, देश विदेश में अयोध्या तो अब सबसे नंबर वन हो चुका है। पहले के फुटबॉल और अब के फुटबॉल में कई, मेरे अनुमान से 10 times की ग्रोथ हुई है। कल जैसा जो बीता हुआ कल है और आज हालांकि उत्सव का ही दिन था, आधे दिन तो हम लोगों ने शॉप बंद कर रखी थी, लेकिन उसके बाद जब दुकान शॉप खोली गई है तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा। आने वाले समय की यही बात, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि 6 to 7 times बोल सकते हैं उसको, 6 to 7 times आपका ग्रोथ होना है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 10 rupees कोई कमाता था तो 60-70 rupees कमाएगा? हाँ, 60-70 rupees तो आराम से अब कमाने शुरू हो गए, उसके आसार आज ही से हम लोग को दिखने शुरू हो गए। तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन गया जी, इसका आपके दुकान में इनकम पे, जो आपकी इनकम होती है उस पर क्या असर पड़ेगा? सर असर हर जगह पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे ही दुकान पे नहीं, पूरी अयोध्या में असर पड़ेगा इसका। हाँ। आपका पूरी अयोध्या पे हर दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, ऑल बिजनेसमैन, सब पे असर पड़ेगा। कमाई कितनी बढ़ने की संभावना है अभी? आज तो आज ही वो पब्लिक सिटी के ऊपर है सर, पब्लिक जितनी आएगी, पर्यटक जितने आएंगे उतनी हमारी इनकम होगी और लोगों की इनकम होगी। आपका दुकान काफी छोटा हो गया, पहले क्या बाहर तक हुआ करता था? क्योंकि पहले मेरी दुकान बड़ी थी, और बल्कि इसमें हम लोग पहले पैदा भी हुए हैं, मेरा यहाँ हम लोग रहते भी थे, बट अब हम लोग का दूसरा घर बन गया है तो अब यहाँ पे मेरी दुकान है। छोटी हो गई पर क्या हुआ, चलिए राम जी के शरण में थे, राम जी के शरण में हैं और रहेंगे, वो सही चाहते हैं। हमारी दोनों साइड से दुकान है, दोनों साइड से हमारी, एक साइड से 10 feet की लॉस हुए हैं, एक तरफ से 11 feet की लॉस हुए हैं, उसके बाद हम 15 feet के ही बचे हुए हैं। तो कोई मुआवजा वुआवजा मिला? मुआवजा दिया सरकार ने, बट एक कंपनसेशन राशि दी है, बहुत अच्छा मुआवजा नहीं दिया। ये दुकान आपकी अपनी है? जी, हमारी अपनी शॉप है। एक चीज बताइए कि मंदिर तो बन गया, और आप क्या चाहते हैं अयोध्या में हो? सर हम चाहते हैं अयोध्या में जितने भी पर्यटक आए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जो भी आए एकदम राम जन्मभूमि में, श्री राम जन्मभूमि में एकदम आराम से दर्शन करें। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो बढ़िया और बेहतरीन, लोगों को अच्छा शिक्षा मिल सके। आप पहले जो बात बोले कि यहाँ पे जो पर्यटक आए वो आराम से हैं, तो मतलब आप सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा उन्हें मिले? नहीं, सुरक्षा काफी है, मोदी जी के रहते हुए काफी है, और मैं चाहता हूँ मोदी जी यहाँ सुरक्षा ऐसे ही रहनी चाहिए। और सुरक्षा जो है, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आते हैं तो उनको असुविधा जैसा लगता है, वो असुविधा ना हो। जी, और आप यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं? जी, हम यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों का मांग कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो है श्री राम हॉस्पिटल है वो काफी बेटर है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग लखनऊ भागते हैं, मुंबई भागते हैं, वो ना भागना पड़े, हम चाहते हैं कि वो अयोध्या में ही पॉसिबल हो जाए, कि लोग वहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद उनको कोई तरीके का प्रॉब्लम ना हो। एक तो रोजगार बड़ा मसला है, लेकिन अभी यहाँ पे पर्यटक बढ़ेंगे तो रोजगार का मसला कुछ हल होगा, ऐसा आपको लगता है? हल हो रहा है भैया, अभी आप देख रहे हैं अयोध्या में काफी भीड़ है और लोगों को जो है कोई असुविधा नहीं है, लोगों के पास इनकम भी है, लोग आ रहे हैं तो पैसा हो रहा है। हाँ, पहले असुविधा थी, 1 साल पहले हम लोगों को बहुत असुविधा थी, लेकिन अभी जो है काफी कंफर्टेबल है।
एक चीज और भी हमने देखा कि अयोध्या में पहले जो किराया होता था दुकानों का बहुत कम हुआ करता था जी, अब वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट कई सारी दुकानें अब खत्म भी हो गई हैं, तो उसके लिए अब जो भी दुकानें बची हैं वो अयोध्या के आम तो आम आदमी ने नहीं किया, वो बाहर से जो लोग आके करना चाह रहे हैं रेट उन्होंने हाई कर दिया। अच्छा, लैंड की भी रेट यहाँ पे बहुत इंक्रीज हो गई है, वो भी बाहर के लोगों ने ही परचेज करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पे रेट चाहे लैंड को लेके हुआ या शॉप के रेंट को लेके हुआ काफ़ी इंक्रीमेंट हो गई है। अभी क्या रेंट है वैसे? नॉर्मली जो शॉप के रेंट पहले 5 to 10,000 के बीच में होते थे, आज वही शॉप 25,000 तक में लोग ले रहे हैं। अच्छा, 25,000 से 30,000 जैसा शॉप हो वैसी कीमत हो गई है। कोई और बदलाव या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि अयोध्या में होना चाहिए ताकि यहाँ के आम लोगों के लिए फायदेमंद हो? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल और होना चाहिए। अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट वो उतनी कैपेसिटी का नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा दूर यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक मेडिकल कॉलेज डाल रखा है, बट वहाँ पे अभी सर्विसेज सारी प्रोवाइडेड नहीं कर रखी हैं। केवल जनमानस को यही हो जाए कि वही मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने लॉन्च कर रखा है, बना रखा है, उसी में सारी सेवाएं अपनी शुरू करा दें, तो और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई के इंतजाम है? शुरू से यहाँ पे कॉलेज अच्छे रहे हैं, जो भी आज भी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ पे आपका साकेत डिग्री कॉलेज होगा जो कि काफ़ी पुराना है, हम भी वहीं के प्रोडक्ट हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ का अवध यूनिवर्सिटी है, जो होना चाहिए बेसिक जिले के अंदर या कस्बे के अंदर वो सब कुछ है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।